वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जनधन योजना और डिजिटल परिवर्तन ने देश में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसके माध्यम से 50 करोड़ लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा के साथ एक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की 9वीं वर्षगांठ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संदेश में कहा कि ग्रामीण इलाकों में 55.5% बैंक खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, जबकि अर्ध शहरी क्षेत्रों में 67% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। योजना के तहत बैंक खातों की संख्या मार्च 2015 के 14.72 करोड़ से 3.4 गुना बढ़कर 16 अगस्त 2023 को 50.9 करोड़ हो गई। इन खातों में कुल जमा राशि भी मार्च 2015 के 15,670 करोड़ रुपए से बढ़कर अगस्त 2023 में 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। जनधन खातों में औसत जमा राशि मार्च 2015 के 1,065 रुपए से 3.8 गुना बढ़कर अगस्त 2023 में 4,063 रुपए हो गई है। इन खातों के खाता धारकों ने शून्य शुल्क पर 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। इस कार्ड में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया गया है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि जन धन अकाउंट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी योजनाओं का आधार बन गए हैं और समाज के सभी वर्ग विशेषकर वंचितों के समावेशी विकास में योगदान दिया है। वहीं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं इस योजना के लाभार्थियों को बधाई देता हूं और इसे सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं। ये देशवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में किया गया एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस योजना के माध्यम से हम लोगों को वित्तीय क्षेत्र की मुख्य धारा में लाएंगे। एक बार फिर से बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते सोमवार को कहा है कि जनधन योजना और डिजिटल परिवर्तन ने देश में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसके माध्यम से 50 करोड़ लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा के साथ एक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की 9वीं वर्षगांठ पर सीतारमण ने अपने संदेश में कहा कि ग्रामीण इलाकों में 55.5% बैंक खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, जबकि अर्ध शहरी क्षेत्रों में 67% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। योजना के तहत बैंक खातों की संख्या मार्च 2015 के 14.72 करोड़ से 3.4 गुना बढ़कर 16 अगस्त 2023 को 50.9 करोड़ हो गई। इन खातों में कुल जमा राशि भी मार्च 2015 के 15,670 करोड़ रुपए से बढ़कर अगस्त 2023 में 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। जनधन खातों में औसत जमा राशि मार्च 2015 से 1,065 रुपए से 3.8 गुना बढ़कर अगस्त 2023 में 4,063 रुपए हो गई है। इन खातों के खाता धारकों शून्य शुल्क पर 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। इस कार्ड में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया गया है।